हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा गुरुकुल 563 में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर क्यों एस्ट्राजेनिका ने कोविशील्ड वैक्सीन जो बनाई थी उसको हर जगह से अपना वापस कर लिए। तो क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे तो इसीलिए इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। तो इस कंपनी ने पूरा अपना जो है वैक्सीन पूरा वापस ले लिया। तो इस वीडियो में इसको विस्तार से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना कुछ देरी के। एस्ट्रेजेनेका का बड़ा फैसला, दुनिया भर से वापस मंगाई कोविड वैक्सीन, खुलासे पर मचे बवाल के बाद उठाया कदम। एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर से अपनी कोविड 19 वैक्सीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। एस्ट्राजेनेका ने साल 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन बनाई थी। इसके फॉर्मूले के इस्तेमाल करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई थी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले कंपनी ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। इसके कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट, एस्ट्राजेनेका को सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाती है। सेकेंड, बाजार में जरूरत से ज्यादा मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध एस्ट्राजेनेका। थर्ड, एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन बनाई थी। रॉयटर्स लंदन। एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर से अपनी कोविड 19 वैक्सीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसमें भारत में बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन भी है। कुछ दिनों पहले ही इस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक कोर्ट में वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट्स की बात स्वीकार की थी। बता दें कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से इस्तेमाल किया गया था। हालांकि कंपनी ने वैक्सीन को बाजार से हटाने के पीछे की कुछ और वजह बताई है, जैसे वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे वैक्सीन की वजह से खून का जम जाना और ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाना। भारत में कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन का हुआ इस्तेमाल। वैक्सीन को बाजार से वापसी के लिए आवेदन 5 मार्च को किया गया था, जो 7 मई तक प्रभावी हुआ। एस्ट्राजेनेका ने साल 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन बनाई थी। इसके फॉर्मूले के इस्तेमाल करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाती। कंपनी ने क्या दी जानकारी। एस्ट्राजेनेका ने मंगलवार को यह कहा था कि बाजार में जरूरत से ज्यादा मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, इसलिए कंपनी ने बाजार से सभी टीके वापस लेने का फैसला किया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले कंपनी ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे वैक्सीन की वजह से खून का जम जाना और ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाना। इसी रीजन के कारण जो कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं तो इसी को जो मिल रहे हैं, तो इससे कंपनी ने पूरा जो कोविशील्ड के वैक्सीन है पूरा रिटर्न कर लिया मार्केट से। तो और कैसा लगा वीडियो एक कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा गुरुकुल 563 को। थैंक यू सो मच।